डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे एसिटाजोलामाइड ड्रग के बारे में, जो कि एक डायूरेटिक ड्रग है। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैटेगरी, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर, देन आईपीएसी नेम, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, उसके बाद यूजेज डिस्कस करेंगे, और ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब मार्केट में कौन कौन से डोसेज फॉर्म के रूप में ये अवेलेबल है, और सबसे आखिरी में पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब मार्केट में किस नाम से एसिटाजोलामाइड बिकती है। ये है, ये इन पॉइंटों पे आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटाजोलामाइड की ड्रग कैटेगरी क्या है। ड्रग कैटेगरी है डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होते हैं, डायूरेटिक वो ड्रग होती है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन ड्रगों को कहते हैं डायूरेटिक। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, इसलिए इसको एज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की। एसिटाजोलामाइड का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जो इसका एसिटाजोलामाइड का बेसिक एसिटाजोलामाइड ड्रग में बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट होता ही है, इसका नाम क्या है, डायाजोल, ठीक है। मतलब एसिटाजोलामाइड ड्रग के स्ट्रक्चर में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या फार्माकोफोर कौन सा प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, थायाडायाजोल। ये है स्ट्रक्चर इसका। थायाडायाजोल क्यों कहते हैं इसको, थाया मतलब सल्फर, ठीक है, डाई मतलब दो, एजा मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, इसे डाई एजो बोलते हैं। ऑल मतलब फाइव मेंबर्ड, ऑल किसके लिए यूज होता है, ऑल होता है फाइव मेंबर्ड, कैसे, 1 2 3 4 5, ये फाइव मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल, क्या लिखते हैं, ऑल। ये हो गया आपका बेसिक न्यूक्लियस, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ये वाला कौन सा पार्ट है, इसको कहते हैं SO2 NH2 को बोलते हैं सल्फा मोइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, सल्फा मोइल ग्रुप। ये किस पोजीशन पे अटैच है, 5 पे, ठीक है। ये क्या है, सल्फा मोइल, SO2 NH2 को क्या बोलते हैं, सल्फा मोइल। और ये थायडायाजोल के किस पॉइंट से अटैच है, 5th पोजीशन से। अब 2 पे क्या अटैच है, इसको बोलते हैं एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड। ये फॉर्मूला होता है CH3CONH, CH3CONH, ठीक है। ये हो गया इसके स्ट्रक्चर डिटेल। अब बात करते हैं आईपीएसी नेम की, एन, ये, ठीक है, एन, एन से क्या अटैच है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इस एन से कितना, ये कौन सा पार्ट अटैच है, ये पूरा, इसलिए ब्रैकेट में देखिए क्या है, 5 सल्फामोइल, 5 पे क्या है, सल्फामोइल, ये ग्रुप। 1 पे क्या है, ये वाला 1 है, 1 पे क्या है, ये बता रहा है, 1 क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ सल्फर, 3 4 क्या बता रहा है, ये नाइट्रोजन की पोजीशन, इसलिए देखा थाया क्या है, ये सल्फर, डाई मतलब 2, एच मतलब नाइट्रोजन, ऑल मतलब 5 मेंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5। 2 वाइल क्यों, 2 पोजीशन पे ये सब्सिट्यूट है, ये न्यूक्लियस किस पे, 2 पोजीशन पे एसिटामाइड अटैच, ये एसिटामाइड हो गया, ठीक है। ये हो गया आईपीएसी नेम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H6N4O3H2, मॉलिक्यूलर वेट 222.24। प्रॉपर्टीज की बात करें, कलर कैसा है, वाइट टू फैंटी एलोइस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर ऑर्डरलेस, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर, पानी में कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट 258 से 259 डिग्री सेल्सियस। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसको हम किस में रखेंगे, एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी और लाइट मतलब प्रकाश से हमेशा इस ड्रग को दूर रखें। अब बात करते हैं यूज मतलब प्रयोग कहाँ करते हैं एसिटाजोलामाइड को, क्या क्या यूज है, ठीक है।
तो इट इज यूज्ड एज डायूरेटिक ड्रग, इसको डायूरेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एडिमा। एडिमा क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी के किसी पार्ट में जब फ्लूइड ज़्यादा रिटेन हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। तो वो जो फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड वहाँ पे जमा हुआ उसको निकालने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको किसके रूप में करते हैं? इट इज यूज टू रिड्यूस एडिमा। ठीक है, नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, एपिलेप्सी एंड हाइपरटेंशन। इसको ग्लूकोमा मतलब मोतियाबिंद, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, हाइपरटेंशन क्या होती है? जब हाई बीपी हो जाती है तो उसको कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो एसिटाजोलामाइड ड्रग जो आपकी किसके रूप में यूज, किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? मोतियाबिंद, मिर्गी और हाई बीपी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू रिड्यूस एडिमा। ठीक है, नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू ट्रीट एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब कोई बंदा पहाड़ों पे जाता है तो उसको सिकनेस होने लगती है, तो उसको उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसको क्या यूज है? एसिटाजोलामाइड, इट इज यूज टू ट्रीट एक्यूट माउंटेन सिकनेस। लास्ट यूज है, इट इज यूज टू ट्रीट पेरियोडिक पैरालिसिस। पेरियोडिक पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन, मतलब एसिटाजोलामाइड मार्केट में कौन कौन सी डोसेज फॉर्म में आता है। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड इंजेक्शन, एसिटाजोलामाइड टैबलेट आईपी, एसिटाजोलामाइड एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल, एसिटाजोलामाइड पाउडर फॉर सॉल्यूशन। मतलब एसिटाजोलामाइड का इंजेक्शन आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल और पाउडर फॉर सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये हैं कुछ डोसेज फॉर्म जो एसिटाजोलामाइड इनके रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब मार्केट में एसिटाजोलामाइड किस नाम से आता है, किस किस नाम से आता है? पहला एवा एस आर, एसीट्रेक्स, एसिटामाइड, डायामोक्स, डायाकार, आयोपार एस आर, साइनोमैक्स, चोपामाइड। ठीक है, ये कुछ ब्रांड नेम हैं जिनके नाम से एसिटाजोलामाइड ड्रग मार्केट में अवेलेबल होती है। थैंक यू।